दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूँ फरहान और आप देख रहे हो फरहान रिएक्शन। फाइनली इतना वेट करने के बाद Redmi Note 7 की ऑफिशियली जो लॉन्च डेट है वो पता लग गई है और इसके जो फाइनल स्पेक्स हैं वो भी पता लग गए हैं। हालांकि प्राइस का तो नहीं पता चला बट स्टिल हमें लॉन्च डेट तो पता लग गई है और ज़्यादा दूर भी नहीं है तो जल्दी से हमें पता लग ही जाएगा कि क्या इसका प्राइस होगा और कैसे कैसे आप इसको ले सकते हैं। तो फाइनल इसके स्पेक्स के बारे में हम बात करेंगे तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था और अब तक मैं अगर आज तक की बात करूँ तो 1 मिलियन से ऊपर ही ये यूनिट्स अब तक सोल्ड हो चुके हैं। सोचिए अभी इंडिया में सोल्ड नहीं हुआ है, ये शुरू नहीं हुआ है ये बिकना इंडिया में जबकि आपको पता है इसका क्रेज़ कितना ज़्यादा है। और खैर ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतने अच्छे प्राइस पे इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हो तो खैर इतना तो बिकता बनता ही है, मतलब इतना तो आपका आईफोन बिकेगा ही। खैर अब इंडिया में ये 28 फरवरी को लॉन्च इवेंट है इसका। सारे इसके लॉन्च इवेंट के पास जो भी जाना चाहते हैं वो ऑलरेडी शुरू हो गया रजिस्ट्रेशन, जिसको जाने वहाँ जा सकते हैं। खैर वो तो हम लोगों के लिए नहीं होता। अब फाइनल जो इसका आपको मैं बताऊंगा स्पेसिफिकेशन क्या होने वाला है। सबसे पहले अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 6.30 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि वाटर ड्रॉपनो स्टाइल में आएगा। रेजोल्यूशन की बात करूं तो 1080x2340 के पिक्सल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 SoC का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब एक बात जो देखने वाली वो ये है कि इसमें जब ये चाइना में लॉन्च हुआ तो 3 वेरियंट्स आए थे, 3GB रैम, 4GB रैम, 6GB रैम। 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज और 4 और 6 के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन जो फाइनल बात अब निकल के आ गई है वो ये है कि इंडिया में अभी आपको 3GB रैम और 4GB रैम वेरिएंट ही देखने को मिलेगा, 6GB शायद ही आए और आएगा भी तो काफ़ी टाइम बाद ही आएगा। कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिल जाएगा और रेयर में आपको ऑब्वियसली जो इसका हाईलाइटिंग फीचर है 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा प्लस 5 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा, यानी कि ड्यूल कैमरा सेटअप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। डाउनग्रेड की जो बात है वो ऑब्वियसली यही है कि आपको इसमें जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है वो आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आप प्रो मोड यूज़ करो। प्रो मोड के लिए आपको पहले सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि कैसे एक प्रोफेशनली कैमरा हैंडल करा जाता है। बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको बहुत ही मैसिव 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये फास्ट चार्ज के साथ भी आता है, यानी कि क्विक चार्ज 4.0 इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि क्विक चार्ज अभी ये है नहीं मार्केट में चार्जर्स, लेकिन जल्दी आ जाएंगे, लेकिन 3.0 तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो अच्छा खासा जल्दी ये चार्ज हो जाएगा। OS की बात करूँ तो आउट ऑफ द बॉक्स 8.1 ऑडियो इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में है, ग्रेडियंट बैक के साथ है, बहुत अच्छा लुक है, कलर्स आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ फेस अनलॉक भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और जो और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इसमें आपको USB टाइप सी सपोर्ट तो देखने को मिल ही रहा है लेकिन इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत ही इस बारे में मैं कहना चाहूँगा रेडमी की तारीफ करनी चाहिए। उन लोगों ने ये चीज़ देखी, नोटिस करा और उन्होंने अपने फ़ोन में ये चीज़ रखी है। अब दोस्तों देखिए प्राइसिंग की बात करूँ तो बाहर जो लॉन्च हुआ है वो तो 10,500-11,000 ऐसे ऐसे प्राइस पर लॉन्च हुआ है, लेकिन इंडिया में कहा जा रहा है कि इतने का नहीं होगा, शायद 1,000 या 1,500 या 2,000 रुपये तक का महंगा होगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है, या मैं कहूँ ऐसा होना चाहिए, अगर इसका 3GB वाला वेरियंट 11,000 तक भी लॉन्च हुआ तो ये फ़ोन तहलका मचा देगा और अगर इसका 4GB वाला वेरिएंट 12-12.5 तक हुआ तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब बस वेट है 28 तारीख का, जल्दी से ये लॉन्च हो, उस दिन ये लॉन्च हो जाएगा और मेरे ख्याल से फिर इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे तो शायद ये प्री बुकिंग ना रखें क्योंकि ऑब्वियसली Redmi, Xiaomi ये फ़ोन्स तो आपको फ्लैश सेल में ही मिलते हैं जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है, बहुत मुश्किल से लोगों को ये फ़ोन मिल पाते हैं। होपफुली ऐसा ना हो और इसकी प्री बुकिंग और नॉर्मल तरीके से सेल करें और शायद ऐसा हो सकता है मैं बाहर के आउटलेट्स जो इनके 2-3 अब खुल चुके हैं नए भी इंडिया में, वहाँ भी ये फ़ोन वहाँ आपको देखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आप इस फोन का कितना वेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन आपको नजर दिख रहा होगा, यहाँ जाकर मुझे फॉलो करिए। कोई क्वेश्चन या सजेशन है मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मैं तुरंत आपको उसका रिप्लाई करूँगा। तो कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।